एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम शिमला कुल्लू मनाली टूर के बारे में बात करेंगे, कैसे कम पैसे में हम शिमला कुल्लू और मनाली घूम सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला मनाली देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। शिमला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला को हिल स्टेशनों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप शिमला मनाली घूमने की योजना बना रहे हैं तो शिमला अथवा मनाली कैसे पहुँचें, ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। शिमला तक सीधी रेल सेवा है, शिमला सड़क और वायु मार्ग के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। मनाली तक न तो रेल सेवा है और ना ही हवाई सेवा है, मनाली तक केवल सड़क मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि पहले शिमला जाएं या मनाली। इसका जवाब है, आपको पहले शिमला जाना चाहिए क्योंकि आप टॉय ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं। गौरतलब है कि यदि आप दिल्ली से शिमला के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन से कालका तक जाएं तथा कालका से आप शिमला के लिए टॉय ट्रेन पकड़ें। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन अर्थात विकल्प नहीं है। आप सुबह 7:40 पर कालका शताब्दी ट्रेन से 11:45 पर दिल्ली से कालका पहुँच सकते हैं। कालका में आपको लगी हुई हिमालयन क्वीन नामक टॉय ट्रेन मिल जाएगी। यह ट्रेन कालका से दोपहर 12:10 पर छूटती है। अब आपके मन में एक सवाल यह उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि दिल्ली से शिमला वाली ट्रेन लेट हो गई तो टॉय ट्रेन तो छूट जाएगी। इसका आंसर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि टॉय ट्रेन दिल्ली से कालका आने वाली टॉय ट्रेन की सवारी लेने के लिए ही रुकी रहती है। चाहे दिल्ली से आने वाली ट्रेन कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए, यह टॉय ट्रेन आपको लेकर ही शिमला जाएगी। यह बात याद रखें कि टॉय ट्रेन का टिकट 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक करा लें क्योंकि इस ट्रेन का टिकट उसके बाद नहीं मिलेगा। टॉय ट्रेन का टिकट हो जाने के बाद ही आप शिमला में होटल बुक कीजिएगा। यदि आप शिमला ट्रिप के लिए 1 महीने पहले टॉय ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो यह आसानी से मिल जाएगा, परंतु तत्काल बुकिंग की स्थिति में इसका टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखें। टॉय ट्रेन दिल्ली से कालका आई शिमला जाने वाली सवारियों को बिठाने के बाद शिमला के लिए रवाना होती है। टॉय ट्रेन का यह 5 से 6 घंटे का सफ़र आपको तथा आपके बच्चों को ताउम्र याद रहेगा। रास्ते में 100 से अधिक टनल्स से टॉय ट्रेन गुजरती है जिसे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। टॉय ट्रेन में आपके साथ कई फॉरेनर्स भी होंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं तथा सफ़र का आनंद ले सकते हैं। यह टॉय ट्रेन बहुत ही धीमे चलती है जिससे आप ट्रेन के बाहर नेचुरल ब्यूटी को भी निहार सकते हैं। यह टॉय ट्रेन बीच में 2 से 3 जगह रुकती है जहां आप चाय कॉफ़ी या हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। यह ट्रेन आपको शाम को लगभग 5:30 शिमला छोड़ देगी। यकीन मानिए, आपको यह 5 से 6 घंटे का टॉय ट्रेन का सफ़र मालूम ही नहीं पड़ेगा और आपका मन इस ट्रेन से उतरने का ही नहीं करेगा। पर क्या करें, उतरना तो पड़ेगा क्योंकि शिमला जो आ गया है। अब आप शिमला रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अपने होटल तक जाने के लिए कूली करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कूली क्यों करें, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि शिमला में खड़ी चढ़ाई है तो आप लगेज लेकर इस प्रकार की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं। कूली केवल 50 से 100 रुपये में आपका पूरा लगेज आपके होटल तक लेकर जाएगा तथा आपके होटल तक का रास्ता भी आपको गाइड कर देगा। यदि आपका होटल शिमला सिटी से दूर है तो आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी का किराया 200 से 300 रुपये के बीच होता है। शिमला में होटल जहाँ तक हो सके हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही बुक करें। यदि हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट के होटल ना मिले तो ही अन्य प्राइवेट होटल बुक करें। होटल ऑनलाइन ही बुक करें क्योंकि इस तरह से होटल बहुत सस्ते पड़ते हैं। शिमला में आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अच्छा बजट होटल मिल जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि आप ऑनलाइन होटल बुक करके शिमला नहीं जाएंगे तो आप परेशानियों का सामना करेंगे। यदि आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया तथा सीधे शिमला में किसी होटल में गए तो उनके रिसेप्शन से पहले ही ट्रेवल एजेंट आपको पकड़ लेंगे तथा कहेंगे कि आपको 16-17 हज़ार में शिमला मनाली घुमा देंगे। यदि आप मना करेंगे तो यह एजेंट आपको होटल भी बुक नहीं करने देंगे क्योंकि होटल वालों से इनकी सांठगांठ होती है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। जब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गया था तो शिमला की राजदूत होटल में मैं इसी गंदे एक्सपीरियंस से गुजरा था। जब तक मैंने 7000 रुपये का शिमला साइट सीइंग टूर बुक नहीं कर लिया तब तक मुझे राजदूत होटल के रिसेप्शन ने रूम ही नहीं दिया। मैंने कहा कि मुझे शिमला साइट सीइंग टूर बुक नहीं करना है तो उन्होंने मुझे रूम का किराया 4000 रुपये प्रतिदिन बताया जो कि अफोर्डेबल नहीं था।
परंतु जैसे ही मैंने उनके एजेंट से शिमला टूर बुक कर लिया तो मुझे वही रूम केवल 1,000 रुपये में दे दिया गया। ऐसा केवल शिमला की राजदूत होटल में ही नहीं होता, ऐसा शिमला की लगभग सभी प्राइवेट होटलों में होता है। आपके साथ बच्चे तथा महिलाएं होती हैं तो आप शिमला में होटल बुक करने के लिए ज़्यादा होटलों में भटक भी नहीं सकते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप होटल ऑनलाइन ही बुक करें। इससे आप शिमला ट्रेवल टूर एजेंटों के गंदे जाल में फंसने से बच जाएंगे तथा होटल वाले भी आपको टूर पैकेज लेने के लिए परेशान नहीं करेंगे और आप अपनी पसंद से शिमला में जहाँ चाहें घुमा घूम सकते हैं। यह भी याद रखें कि हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट के होटलों में इस प्रकार की परेशानी नहीं आती है। शिमला में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के ही टेरिस पर शिमला की वादियों को देखते हुए चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप रात में माल रोड घूमने जा सकते हैं। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो शिमला में माल रोड तक पहुंचने के लिए हिमाचल टूरिज्म द्वारा संचालित 2 लिफ्ट हैं। आप अपनी होटल से पैदल पैदल इन लिफ्ट्स तक 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इन लिफ्ट्स का किराया केवल 5 रुपये होता है। यह लिफ्ट देर रात तक अर्थात 11 से 12 बजे तक चलती रहती हैं। आप पैदल भी माल रोड पर पहुंच सकते हैं, परंतु बेहतर यही होगा कि आप लिफ्ट से ही माल रोड जाएं। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। माल रोड पहुंचने के बाद आप माल रोड पर घूम सकते हैं तथा रात का भोजन वहां पर कर सकते हैं। माल रोड के रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए माल रोड से ही लकड़ बाज़ार लगा हुआ है। वहाँ पर कई अच्छे बजट रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आप डिनर कर सकते हैं। इसके बाद आप लिफ्ट से नीचे उतरकर अपने होटल में रात में विश्राम करें। इस प्रकार शिमला में आपका पहला दिन समाप्त होता है। शिमला में दूसरे दिन आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से बाहर टैक्सी स्टैंड पर आएं। यहाँ से आप कुफरी, ग्रीन वैली, हिमालयन जू देखने के लिए टैक्सी बुक करें। टैक्सी का किराया लगभग 1,000 रुपये लगेगा। आप बार्गेन करके उसे कम भी करा सकते हैं। शिमला से कुफरी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कुफरी के रास्ते में आपको टैक्सी वाला ग्रीन वैली दिखाएगा। ग्रीन वैली एरिया में आप हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ड्रेस पहनकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। इस जगह कई फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं तथा फ़ोटो आपकी होटल पर आपको शाम को डिलीवर कर देते हैं। 10 फोटो लगभग 250 रुपये के पड़ते हैं। इसके बाद आप कुफरी के पोनी काउंटर पर पहुँचिए। यहाँ से आपको कुफरी फन जोन तक जाने के लिए पोनी अर्थात घोड़ा करना पड़ेगा। यह घोड़ा एक व्यक्ति के लिए 250 से 300 रुपये में पड़ेगा तथा यह किराया आने तथा जाने दोनों तरफ का होगा। कुफरी फन जोन में आप तथा आपके बच्चे कई सारी मज़ेदार फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुफरी फन जोन के पास ही माता जी का मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कीजिएगा। इसके बाद घोड़े से वापस पोनी हायर काउंटर पर आ जाइए। इसके पास ही हिमालयन जू है, आप उसे भी एक्सप्लोर कीजिएगा। जू से बाहर निकलकर आप अपनी टैक्सी से इंदिरा टूरिस्ट पार्क जाइए। यहीं पर इंदिरा बंगलो है जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। यहीं पर हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट का ललित कैफ़े है, आप उसमें लंच कीजिए। ललित कैफ़े का भोजन रीजनेबल तथा बहुत लजीज होता है। इसके बाद आपका टैक्सी वाला आपको शिमला घुमाता हुआ माल रोड पर छोड़ देगा। आप टैक्सी वाले को पेमेंट करके उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप द रिज पर आ जाइए। द रिज माल रोड का चौक अर्थात मैदान है जहां चर्च, पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल लाइब्रेरी, महात्मा गांधी तथा इंदिरा गांधी की प्रतिमा है। द रिज में जनरल पोस्ट ऑफिस के पास से एक रास्ता जाखू टेम्पल जाता है, आप उसे देखने जाइए। जाखू टेम्पल में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वह पूरे शिमला से दिखाई देती है। हनुमान जी का जाखू टेम्पल माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप आराम से आधे से पौन घंटे में वहाँ पैदल पैदल पहुँच जाएंगे। आप 100 रुपये में टैक्सी से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, परंतु आनंद तो पैदल जाने में ही आएगा। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप टैक्सी से जाखू टेम्पल जाइएगा। जाखू टेम्पल में हज़ारों बंदर हैं, इसलिए आप उनको खिलाने के लिए मंदिर के रास्ते की दुकानों से चने या खाने का सामान ले लीजिए। मंदिर में आप हनुमान जी के दर्शन के बाद बंदरों को अपने हाथों से चने खिला सकते हैं। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो फिर वे तो इस मंदिर से वापस ही नहीं आना चाहेंगे। आप बंदरों के साथ फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जाखू टेम्पल घूमने के बाद आप वापस माल रोड आ जाइए। इसके बाद आप माल रोड के द रिज पर चाय, कॉफ़ी या आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप द रिज पर स्थित चर्च, पोस्ट ऑफिस तथा सेंट्रल लाइब्रेरी विजिट करें। इसके बाद आप माल रोड पर घूमते हुए स्कैंडल पॉइंट तक जाएं। स्कैंडल पॉइंट माल रोड का अंतिम छोर है। स्कैंडल पॉइंट से ही पटियाला के महाराज ने
ब्रिटिश वायसराय की बेटी का अपहरण किया था। इसके बाद आप माल रोड पर या लकड़ बाजार में स्थित किसी रेस्टोरेंट में डिनर करें तथा वापस अपने होटल में जाकर रेस्ट करें। शिमला में तीसरे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद टैक्सी बुक करके नाल देहरा देखने जाएं। नाल देहरा में आप पोनी अर्थात घोड़े पर बैठकर गोल्फ कोर्स तथा नाग टेंपल देखें। नाल देहरा में जिस जगह मिथुन चक्रवर्ती की प्यार झुकता नई फिल्म की शूटिंग हुई थी आप वह पॉइंट भी देखने जाएं, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है वो। इसके बाद आप नाल देहरा में ही लंच करें। लंच के बाद आप तातापानी देखने जाएं। तातापानी में आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, परंतु राफ्टिंग आप कुल्लू में करें, वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि तातापानी में नदी का पानी स्थिर है जबकि कुल्लू में नदी का बहाव बहुत तेज है। इसके बाद आप टैक्सी से वापस शिमला के माल रोड पर आ जाएं तथा शिमला में अपने इस टूर की आखिरी शाम माल रोड पर ही बिताएं, माल रोड पर ही डिनर करें। इसके बाद आप माल रोड पर स्थित हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में अगले दिन के लिए बस बुक कर सकते हैं जो कि आपको शिमला से मनाली लेकर जाएगी। यदि आप चाहें तो शिमला से मनाली के लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। शिमला से मनाली का टैक्सी का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है जबकि बस का किराया 500 से 600 रुपये के बीच होता है। इसके बाद आप अपने होटल में जाकर रेस्ट करें। अगले दिन सुबह आप होटल से ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करें तथा बस या टैक्सी से मनाली के लिए निकल जाएं। बस से मनाली जाएंगे तो आप कुल्लू में नहीं रुक सकते हैं। टैक्सी बुक करके मनाली जाने का एक लाभ यह है कि रास्ते में आप कुल्लू में रुक सकते हैं तथा आप वहां राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। राफ्ट एक प्रकार की नाव होती है जो कि रबर की बनी होती है। इस नाव से आप व्यास नदी में राफ्टिंग कीजिएगा। राफ्टिंग का चार्ज नदी में आप कितनी दूर तक राफ्टिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है, जो कि 750 रुपये से 2000 रुपये के बीच होता है। यह चार्ज पूरी फैमिली का होता है। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। राफ्टिंग के बाद आप कुल्लू में लंच कीजिएगा। इसके बाद कुल्लू में ही आप रैबिट पार्क तथा कुल्लू शॉल फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधे मनाली आ जाइए। मनाली पहुंचकर अपनी पहले से ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन कीजिए। इसके बाद आप होटल में ही प्रकृति का आनंद लेते हुए चाय कॉफ़ी पीजिए। इसके बाद आप होटल से बाहर निकलकर माल रोड पर आइए। मनाली का माल रोड शिमला के माल रोड जैसा सुंदर नहीं है। मनाली की माल रोड एक छोटी सी सड़क है जिस पर कई सारे रेस्टोरेंट तथा छोटी बड़ी दुकानें स्थित हैं। माल रोड पर ही आपको टैक्सी काउंटर से अगले दिन रोहतांग पास या स्नो पॉइंट तथा सोलांग वैली तक जाने के लिए टैक्सी बुक करनी होगी। टैक्सी का किराया 1000 से 1500 रुपये के बीच होता है। उल्लेखनीय है कि रोहतांग पास 15 मई के आसपास खुलता है। यदि आप 15 मई के पहले मनाली आते हैं तो आपको स्नो पॉइंट जो कि गुलाबा होता है वहां तक ले जाते हैं टैक्सी वाले। रोहतांग पास जाना है तो आपको 15 मई के बाद मनाली आना चाहिए। टैक्सी बुक करने के बाद आप माल रोड के रेस्टोरेंट में या अपनी होटल में खाना खा सकते हैं। यह भी याद रखें कि 1 मई से हिमाचल टूरिज्म की होटलों में MAP अर्थात मॉडिफाइड अमेरिकी प्लान चालू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि होटल में ब्रेकफास्ट तथा डिनर करना अनिवार्य हो जाता है जिसका पैसा आपके होटल बिल में जुड़ जाता है। डिनर करके आप होटल में रेस्ट करें। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाएं। सुबह 7 बजे तक आप होटल से रोहतांग पास या स्नो पॉइंट के लिए निकल जाएं। यदि होटल में ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी रेडी नहीं हुआ हो तो आप रास्ते में कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहाँ हैवी ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि स्नो पॉइंट पर मैगी और चाय ही मिलती है। रास्ते में ही सैकड़ों दुकानें स्नो बूट तथा स्नो सूट की मिलेंगी जहाँ से आप स्नो बूट और स्नो सूट किराए पर ले लें और अपनी टैक्सी में रख लें। यह ड्रेस तथा जूते आपको 250 से 350 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा। स्नो पॉइंट या रोहतांग पहुंचकर आप स्नो एक्टिविटी जैसे स्कीइंग, स्लेज आदि एंजॉय कर सकते हैं। स्नो एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के बाद आप अपनी टैक्सी से सोलांग वैली आइए। सोलांग वैली में ही आप लंच कर लें। लंच के बाद यहाँ आप पैराग्लाइडिंग कीजिए। पैराग्लाइडिंग में पैराशूट से उड़ते हुए नीचे आया जाता है। इसका चार्ज 350 रुपये से 2000 रुपये तक होता है। यह चार्ज किस ऊंचाई से आप उड़ना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है।
आप 750 रुपये वाला पैकेज लें, इसमें लगभग 5 मिनट की फ़्लाइट मिलती है। 2000 रुपये में आपको पैराशूट में पायलट के साथ 15 मिनट तक आसमान में उड़ाया जाता है। सोलांग वैली से आप वापस मनाली अपने होटल आ जाएं, होटल में रात का डिनर करें तथा उसके बाद माल रोड टहलाएं। इसके बाद आप होटल में आकर रेस्ट करें। अगले दिन आप ब्रेकफास्ट करने के बाद टैक्सी बुक करके होटल से चेकआउट करें। आप अपना सामान टैक्सी में रख लें। आप यह भी कर सकते हैं कि होटल से चेकआउट होने के बाद अपना सामान होटल में ही रिसेप्शन या स्टोर रूम में रख दें तथा उनसे कहें कि सामान आप शाम को उठा लेंगे। इसके बाद आप टैक्सी से मनाली का प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर, मनु मंदिर, रोहरिच आर्ट गैलरी, नग्गर कैसल घूमने जाएं। रास्ते में ही आप लंच कर लें। इसके बाद आप मोनेस्ट्री देखने जाएं। शाम को 5 बजे से ढेरों वॉल्वो बस मनाली से दिल्ली के लिए चलती हैं। आप उनका टिकट बुक कर लें। आप शाम को वॉल्वो बस स्टैंड पर टैक्सी से अपना सारा सामान उतार कर टैक्सी का पेमेंट कर उसे छोड़ दें। इसके बाद आप दिल्ली जाने वाली अपनी वॉल्वो बस में बैठ जाएं। यह वॉल्वो बस आपको सुबह दिल्ली छोड़ देगी। इस तरह आपका यादगार शिमला कुल्लू मनाली टूर समाप्त होता है। यदि आप मनाली के पास मणिकर्ण गुरुद्वारा घूमना चाहते हैं तो आपको मनाली में 2 दिन की जगह 3 दिन रुकना पड़ेगा। अब हम अपनी इस 6 दिन की शिमला कुल्लू मनाली यात्रा का अधिकतम खर्च कितना पड़ेगा इस बारे में बात करते हैं। बस ट्रेन तथा टॉय ट्रेन का 4 लोगों का कुल किराया अधिकतम 15,000 रुपये, 4 लोगों का 6 दिन का टैक्सी का कुल किराया 10,000 रुपये, 4 लोगों का 6 दिन का होटल का किराया 9,000 रुपये, 4 लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपये, 4 लोगों का 6 दिन का साइट सीइंग तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपये, 4 लोगों का शिमला कुल्लू मनाली में 6 दिन का अधिकतम कुल खर्च लगभग 56,000 रुपये। यदि हम इसे 4 से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति खर्च आएगा 14,000 रुपये। इस प्रकार आप केवल 14,000 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए शिमला कुल्लू मनाली घूम सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 9,000 रुपये से घटकर केवल 6,000 रुपये ही आएगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही शिमला कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू।